देखिएगा, फिर से हम भाई के पास आए थे कुछ बजट फ्रेंडली गाड़ियाँ देखने के लिए। तो बजट फ्रेंडली गाड़ी के अंदर अपने पास थी डिलेक्स। तो ये डिलेक्स कब का मॉडल है भैया? 2018 का मॉडल है। और कितना किलोमीटर चला है ये? चला है सर 25,000। 25,000 किलोमीटर चला। और आस्किंग प्राइस कितना है भैया इसका? 35,000 का गाड़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर NXG कुछ तो नाम था गाड़ी का, क्या है? आई स्मार्ट NXG का ही नेक्स्ट वर्जन था ये। तो ये कब का मॉडल है भैया? 2016। और 2016 मतलब अभी 4 साल पुराना है सिर्फ। कितना किलोमीटर चला है ये? 25,000 किलोमीटर चला है। ओके ओके, तो क्या कब कितने में बेचने, कितने में? ये सर 30,000। 30,000 आस्किंग है, बाकी निगोशिएबल है। सेम ब्लैक कलर में फिर से आ रही है डिलेक्स। तो ये डिलेक्स कब का मॉडल है भैया? 2009 का मॉडल है। और कितना किलोमीटर चला है? चला है सर 58,000 चला है। और इसका आस्किंग क्या बता रहे हैं आप? ये 24,000। 24,000 रुपये बाकी निगोशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और गाड़ी दिख रही है, फेयरिंग के साथ है, 125cc इंजन, बहुत प्यारी गाड़ी है। इसका किलोमीटर कितना हुआ है? सर ये 25,000। और कितना आस्किंग है इसका? ये आपको आएगा 30,000 और उसमें निगोशिएबल। और कब का मॉडल है? 2015 का ये मॉडल है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ियाँ और दो है शाइन, जो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाली गाड़ी से अपने। तो ये रही यहाँ पर शाइन, और ये भी शाइन है, पर इसका SP कुछ मॉडल है। देख लीजिए एक बार, थोड़ा ग्राफिक दोनों का बता दीजिए, डिजाइन थोड़ा सा अलग है गाड़ी का। ये वाला 5 स्पीड गाड़ी है। 5 स्पीड गाड़ी है, 4 स्पीड गाड़ी है दोनों भी। ये देखिए, ये यहाँ पर फेस बताएंगे एक बार इसका। ये डिजाइन देखिए फेस का कुछ अलग है, और वहां पर भी बता दीजिए, ये भी डिजाइन कुछ अलग है। तो अभी बताइए, ये न्यू फेस वाला जो गाड़ी है, तो ये कितने का है? ये 2017 का है दोनों भी। 2017 का दोनों भी मॉडल है। और ये गाड़ी का किलोमीटर कितना हुआ है? 25,000 ये गाड़ी चला है, और 35,000 ये गाड़ी चला है। दोनों भी 2017 का मॉडल है। ठीक है, तो अभी गाड़ी के रेट बता दीजिएगा। ये नया फेस 45,000। देखिए दोनों भी 45,000, मतलब 45,000 में गाड़ियां है। अगर ये लेना है तो 45 ही पे करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, 2017 का दोनों मॉडल है। तो देखिएगा, आपको पसंद आता है तो। भाई ने हमारे को टाइम दिया आज, उसके लिए शुक्रिया भाई का बहुत। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।